दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे स्पोर्ट्स कार के बारे में सुना है जिसकी माइलेज 800 से 1000 किलोमीटर तक की होती है? जी हाँ दोस्तों, 800 से 1000 किलोमीटर की माइलेज, वो भी एक स्पोर्ट्स कार में। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में इस तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद तो नहीं है, बट दोस्तों फ्यूचर में हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजीज कार के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 अपकमिंग फ्यूचर कार कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिन कार्स में हमें इन सब तरीके की टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, नंबर 1 पे आने वाले कार के बारे में तो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वो कार एक ऐसे कंपनी की तरफ से आती है जो कि इंडिया के अंदर SUVs के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस वीडियो में आपको इन कार्स की टेक्नोलॉजी और इन कार्स के डिज़ाइन के बारे में पता लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन कार की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी रिवील नहीं की गई है। तो सबसे पहले नंबर 10 पे जो कार आता है उसका नाम है BMW i8 ट्रोन, जो कि दोस्तों BMW की एक बहुत ही पॉपुलर कार है, जिसका कि एक कॉन्सेप्ट मॉडल रिवील किया गया है BMW की तरफ से। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही दोस्तों, नंबर 9 पे जो कार आता है उसका नाम है लैम्बोर्गिनी फेडेरिको एम्बस्केल, जो कि लैम्बोर्गिनी की तरफ से आने वाली एक कॉन्सेप्ट कार है जो कि फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। आज के टाइम में जितने भी लैम्बोर्गिनी मौजूद हैं उन्हीं के डिजाइन बेस पे इस कार के कॉन्सेप्ट को रिवील किया गया है। वही दोस्तों, नंबर 8 पे जो कार आता है उसका नाम है GMU Cousin, जो कि फ्यूचर में लॉन्च होने वाली कॉन्सेप्ट कार है, जिसे कि नई कंपनीज द्वारा बनाई जा रही है। और फ्यूचर में हमें वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनीज देखने को मिलने वाली है जो कि कार्स के अंदर कई सारी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज को लॉन्च कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 7 पे जो कार आता है उसका नाम है एप्पल कार कॉन्सेप्ट, और एप्पल ने कई सारे कार मॉडल को रिवील किया है जिसे कि फ्यूचर में लॉन्च किया जा सकता है। एप्पल की तरफ से आने वाली कई सारे कार मॉडल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी। वही दोस्तों, नंबर 6 पे जो कार आता है उसका नाम है मर्सिडीज बेंज वर्जन 111, जिसे कि हाल ही में शोकेस किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इसे लॉन्च किया जा सकता है फ्यूचर में। अगर इस कार की डिज़ाइन को देखा जाए तो दोस्तों इस कार की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो कि कुछ अलग हटके देखने को मिलती है। दोस्तों, मर्सिडीज का ये कॉन्सेप्ट कार आपको किस तरीके का लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, नंबर 5 पे जो कार आता है उसका नाम है बाथर्स्ट 100। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्यूचर में हमें कुछ नए ऑटोमोबाइल कंपनीज देखने को मिलने वाली है, उसी में से एक कंपनी है बाथर्स्ट, जो कि इस कार को लॉन्च कर सकती है फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस कार की डिज़ाइन को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वही दोस्तों, नंबर 4 पे जो कार आता है उसका नाम है मर्सिडीज एवतार वर्जन, जो कि एक मर्सिडीज की बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव डिज़ाइन के साथ लॉन्च होने वाली एक कार है, जो कि एक कॉन्सेप्ट कार है जिसे कि अवतार वर्जन में शोकेस किया गया था। नाइट के टाइम में दोस्तों इस कार की जो लाइटिंग है उसकी वजह से दोस्तों इस कार की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलती है। वही दोस्तों, नंबर 3 पे जो कार आता है उसका नाम है डॉट चार्जर डेटोन SRT EV, और दोस्तों ये वही इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है जिसमें कि हमें फ्यूचर में 600 हॉर्स पावर और 800 से 1000 किलोमीटर की माइलेज देखने को मिलने वाली है। तो डॉज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने मसल और काफ़ी पावरफुल कार्स के लिए जानी जाती है, उसी के बेस के ऊपर दोस्तों इस कंपनी ने इस कार को शोकेस किया है, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी 600 हॉर्स पावर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, नंबर 2 पे जो कार आता है उसका नाम है Hyundai N Version 74, जिस कार को Hyundai ने काफ़ी अच्छे खासे लुकिंग के साथ शोकेस किया है। Hyundai कंपनी अपने कार्स के लुक के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है और इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट कार है उसकी लुकिंग कितनी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो बात करते हैं नंबर 1 पे आने वाले कार के बारे में, और दोस्तों इस कार को जिस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया के अंदर वो अपने SUVs के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ टोयोटा के बारे में, और टोयोटा की जो कॉन्सेप्ट कार आती है उसका नाम है टोयोटा GR इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार। टोयोटा सुपरा के बाद दोस्तों टोयोटा की एक इलेक्ट्रिक ऐसी स्पोर्ट्स कार आने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है।